एक सूट पे कितने में कर देती तेरे सागे। बोल रही कि सब देखेंगे ऐसे बोलेंगे, रील बनाने नहीं आई है, अमरुद खाने आई है। वो ऐसी चाहिए मतलब मेरे जैसे, कोई पर्दा नहीं चाहिए मुझे, कोई घूंघट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। चाय पानी करेंगे। नजर लग गई, ड्राई कर देना। ये दिल तो अंदर से तो बच्चा है बस। हेलो फ्रेंड्स, खवाणी सा गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और मुझे दो पार्सल रिसीव हुए थे भैरव फैशन से। मैंने क्या कुछ सूट वगैरह मंगवाए थे, जैसे कि ये देख सकते हो, ओढ़नी वाला पार्सल तो मैंने खोल लिया था और एक पार्सल बाकी है, ये भी मैं खोलूंगी। तो मैं इसमें मैंने क्या क्या मंगवाया वो मैं बता देती हूँ आपको। तो मैंने मेरे लिए दो सूट मंगवाए हैं और ज्योति वैसे के लिए मैंने तीन सूट मंगवाए हैं। और ये सूट मुझे क्या अच्छे लगे, तो मैंने मेरी जो सिस्टर है अभी उसकी शादी तो नहीं हुई बट उसके लिए भी मैंने ना दो सूट मंगवाए हैं। जैसे अब देख लो, एक डेढ़ साल के अंदर कर ही रहेंगे हम शादी वादी, तो मैं जैसे जैसे मुझे अच्छा लगेगा ना तो मैं पूजा के लिए भी मंगवाती रहूंगी। तो चलो अब खोलते हैं ये वाला पार्सल, देखते हैं। पहले तो ओढ़नी दिखा देती हूँ आप सबको। ये मेरी ओढ़नी है, नहीं चलो पहले पार्सल खोल के ही दिखाती हूँ आपको, खोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो एक तो ये वाला सूट मंगवाया है मैंने, ये वैसे मैंने पूजा के लिए भी मंगवाया था, उसको ना मैंने भेज दिया, चिराना भेज दिया था मम्मी के साथ। और एक ये वाला सूट मैंने ज्योति वैसा के लिए भी मंगवाया है, क्योंकि ज्योति वैसा भी आप सबको पता ही है उनका कलर फेयर है तो ये बहुत प्यारा लगेगा उनपे। तो इसका ओढ़ना है ये वाला, कहाँ गया ये वाला। तो ये वाला मैंने ज्योति वैसा के लिए मंगवाया है। और ये क्या उन्होंने थान के थान ही भेज दिया था, तीन सूट है इसके अंदर, एक मेरी सिस्टर का है, एक मेरा है और एक है ना ज्योति वैसा का है। तो गाइज आप भी बताना ये वाला आपको फैब्रिक कैसा लगा। आप सबको पता ही है रक्षाबंधन आने वाली है, तो आपको भी अगर शॉप के लिए मंगवाना है तो आप भैरव फैशन से मंगवा सकते हैं। फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, इसका वो है डिजिटल प्रिंट, तो ये देख सकते हो। और इसमें भी डेकर लगा हुआ है, ये देखो बहुत ही प्यारा कपड़ा है। अब सेकेंड वाला मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला। तो इसमें भी मतलब ये तीनों के तीनों एक साथ ही उन्होंने भेज दिए, उन्होंने बोला कि आप कट कर लेना अपने हिसाब से। और ये वाला भी बहुत प्यारा है, ये देखो। तो ये वाला भी तीन है, जो ज्योति भाईसा के लिए, मेरे लिए और पूजा के लिए। तो तीन तीन सूट तो ये हो गए, वन एंड टू। और ये वाले देखो, इसके ऊपर ओढ़ना अच्छा जच रहा है, सेम टू सेम लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि डेकर वाला है ना, तो इस पर भी ये डेकर वर्क की है। और इस पर जो ओढ़ना अच्छा लगा है वो है रानी कलर का, ये भी बहुत ही प्यारा है, ये देखो कलर भी एकदम मस्त निकल के आ रहा है। तो चलो अब इनको स्टिच करवाने के लिए मैं रुको, आवाज कम करो। तो अभी हम निकल गए, मम्मा के पास जा रहे हैं, किशा की माँ के पास जा रहे हैं। और इतने इतना शर्म को नहीं आया यार, स्कूटी का माइंड कोई गाना बजा के गंदा लगे। किशा पापा को समझाओ यार, गड्ढा है। मुझे कि है ना थोड़ा सा घूम के आता है। तो अभी हम आए हैं मम्मी के जस्ट सामने वाला गार्डन वहाँ पे, और वो दादी पोती देख सकते हो वॉक कर रहे हैं। मैं तो थक गई वॉक करती करती। थक गई मैं तो। मम्मी ऐसे बोल रही है। मम्मी ऐसे बोल रही है कि है ना ये जो सूट है ना, मुझे रील बनानी थी इसकी इंस्टाग्राम के लिए। तो मम्मी ऐसे बोल रही है कि मैं ही बना देती तेरी जैया। दो तीन फूल तोड़ना रे वह, दो तीन है ना वो तोड़ना रे वह, जो ध्यान बन जाए रील है। मम्मी को ऐसे लगता है इजीली बन जाती है रील है। और मम्मी का है ना यहाँ पे गार्डन में क्या अमरूद लग रहे हैं, तो मम्मी का मन चल रहा है कि है ना मेरे को देख के दे कि कोई कच्चा सा अमरूद। मुझे तो कच्चा वैसे ही नहीं दिख रहा इसमें। हाँ हाँ मिल गया। सुनो गाइस, एक है ना अमरूद मुझे मिला है, वो मैं तोड़ के छुपके से खाने वाली हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है इसका तो इन अमरूद के है ना सारी बिल्डिंग मालिक है। एक मालिक नहीं है यहाँ पे, पूरी बिल्डिंग ही मालिक है। तो मुझे एक अमरूद दिखा है, एक मम्मी को दूंगी और एक है ना मैं खाऊंगी। चलो गाइस छुपके से तोड़ते हैं अपन। डांटेगा कोई नहीं, डांटेगा। अमरूद पा रहा
तो मम्मी है ना मुझे आइडिया दे रही कि कैसे तोड़ना है। साउंड दिख रहा है ऊपर, कैसे तोड़ के लेके आऊंगे आप? 1 2 3 इससे भी अच्छा दिख रहा मुझे। एकदम पका हुआ अमरूद है, कोई आ भी जाएगा कोई बात नहीं। आप, मैं बोल दूंगी मेरी जो है ना सासू मानी है क्या, उनका क्या ऑपरेशन हो रखा है तो उनको अमरूद बताया है, ये बोलूंगी। क्या हुआ किशा, आपको क्या चाहिए? ए ए तुम्हें किशा को चाहिए, रुको मैं देती हूँ आपको ये वाला। नहीं रुको, ये रहा ये रहा, बस आ जाओ। तो सच ही तेरे वो एक सूट पे कितने कर देती तेरे साले सत्तर दिन से हैं सत्तर दिन से और थे ओ नो किशु ये बोल नहीं है, दे मेरे को ये अमरूद है यश्विनी। बाप रे यार मैं खाना चाहती हूँ उसको के एक अमरूद में तो मम्मी ऐसे बोल रही है कि एक तरेड सी है, मतलब तरेड का मतलब ये सब देखेंगे ना। मम्मी ऐसे बोल रही है कि सब देखेंगे ऐसे बोलेंगे ये रील बनाने नहीं आई है, अमरूद खाने आई है। ले सुन रही क्या, आपने मेरे को जिंदगी दी है, आपने मेरी सेवा की है, मैं आपको प्यार से फूल देना चाहती हूँ। मम्मी मेरे को फूल देना चाहती है, पापा को नहीं देना चाहते आप? नहीं अब तो पापा को नहीं देना चाहती, आपको देना चाहती। पहले आप बताओ पहला प्यार कौन सा है? पहला प्यार नहीं है मेरा। मम्मी आ गई है पहलो प्यार में ही ऊपर पापा नारियल कत्तो पाए हुए नारियल न कहीं जात नहीं लड़े जमीर सके जो कहीं जाके देख के भी बड़ा सा नारियल का ढेर लागने तेरा। मम्मी ऐसे बोल रही है कि है ना जब है ना थोड़ी सी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है ना तो पापा और ज्योति वैसे ऐसे बोलने लग जाते हैं कि पास में जाके वो जो खाली प्लॉट है ना जिसमें कचरा फेंकते हैं वहां जाके देख कि तेरा नारियल काउंट कर गया कितना हो गया। सच में तो बहुत पड़े हैं तो हर रोज को एक हो गया तो दो मिलना गया। मेरी इच्छा नहीं हो रही, पता नहीं ये लाल लाल कैसे निकला है, लाल का अच्छा आता है। किशा को देखो, किशा को, किशन देखो मेरा है यश्विनी, ये मेरा है। नहीं ये माँ जैसा लग रही है। किसकी बेटी बनेगी? पापा। सही बता। नहीं किशा मम्मी की बेटी बनेगी। नहीं लास्ट में बनेगी मेरी। फ्लावर मेरे को दे दो। चिट्ठी दे बकर से के मैं नहीं चलने दो दादी पता हैं। कौन लेके आया चिट्ठिया? चिट्ठिया कौन लेके आया हैं? किसने दुआया हैं? तू लेके आई है? आई लव यू माँ। देखो फ्लावर ये और तो सुकून लग गया था। अच्छे अच्छे देखा डांस देखा चेंज करके आ गई। तो ये वाला आउटफिट भी मुझे बताना आप कैसा लगा। कैसा लगा गाइस ये तो थोड़ा सा पहन के मेरे पे दे देना, पहन के आप भी दे दो। हम ले गए उसको पटाते बता ना या जोरदार नया जोरदार। तो मैंने ये वाला सूट वेयर किया है बस फटाक से, मैं जल्दी से रेडी होके आई हूँ। थोड़े पसीने ज़्यादा हो गए क्योंकि जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई ना मैं, और भाग के आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि जो मेरा शूटिंग कर रहा है ना वो भाग जाएगा। तो अब मैं बनाती हूँ इंस्टाग्राम के लिए रील और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद में। हाय गाइस। हाय गाइस। हॉस्पिटल में तो मैं हमारे सब्सक्राइबर आए हैं। तो आपने कैसे पहचाना? मैंने आपको पहचान लिया, अभी यहाँ से आ रहे थे ना जब जिन्हें में लगते तो वही है। अच्छा तो मम्मी को क्या बोल रहे हैं कि हाय गाइस? मम्मी देख लिया मैंने आपका सारा वीडियो, देखती मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। मैं बोली मुझे बहू ऐसी चाहिए। अच्छा बहू ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए मेरी जैसी? हाँ। ये वैसे बोल रहे हैं कि 2 साल हो गए बेटे के लिए ढूंढते हुए बहू, कि बहू ऐसी चाहिए। बताओ मम्मी से दे रहे हो तो चल जाओ। एक फीस हो चुकी और गए मंगल हिमाचल के जो सामने पावर हाउस है ना जहाँ पे अपन पहले मंगल हिमाचल तो बहू है ना मम्मी ये कह रही है क्या ले जाओ
सही बात है, ले जाओ तो बहुत अच्छे लागो से। फिर बेटी क्या बोलती है, मम्मी पागल मत हो जाना आप। हैं क्यों? मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ उसको, फिर दोबारा देखूंगी, फिर दोबारा सुबह पहले। मतलब आप सबको ये भी बोलते हैं आपके बच्चे कि आप पागल मत हो जाना मेरे ब्लॉग के पीछे। क्या अच्छे लगती हो ना बच्चे, क्या बोलते हैं कि मम्मी आप कितना देखती हो। बेटा उनके ड्रेस उनके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा थैंक यू, थैंक यू। कल परसों ये शॉपिंग करने गए थे, कल परसों यहाँ से ये कौन सा सौदा भूल के देते हैं ना, जगदम्बा परिधान, जगदम्बा परिधान, जगदम्बा परिधान का ही तो ये सूट। अच्छा ये सूट है ना जगदम्बा परिधान का ही है। पर आपने पहन रखा था वो रानी कलर का? नहीं दो तीन लेके आई, मैं सात लेके आई हूँ सूट वहाँ से। जब मालूम आपने बोला कि मेरे जस्ट फिर सब्जी खरीद रहे थे आप, मैंने बोला जितनी तो खरीदा नहीं उतना तो खा लिया इन्होंने। मैं मेरी बेटी को बोल रही हूँ, मेरे वाले जितना खरीदा नहीं है उतना तो बोलते हैं। वो भैया को क्या खा लिया? अरे भैया जल्दी से दे दो नहीं तो मैं आपका ये पूरा खत्म कर दूंगी। इन्होंने क्या बूंदी ली थी, हाँ रायते की बूंदी वगैरह ली थी और ले रही थी सब्जी, ले रहे थे ये खा रहे थे ये भी खा रहे थे। तो मैंने बोला बेटा जितना लेंगे नहीं उतना तो खा लेंगे ये। अच्छा लगता है बूंदी वगैरह, मैंने सारे देखती हूँ मैं, अच्छी लगती है भाई साहब। अभी तो ठीक है ना? ठीक है, खूब सेवा करी आपकी, बहुत सेवा करी। मैं देख रही, मैं डेली वीडियो देखती थी क्योंकि दूसरा कमरा लिया था नीचे वाला, कहाँ पे लिया था ये तो मुझे पता ना। चिकी चुकी चो आजा आजा चिड़िया उड़। ये कीशा है ना, कच्ची अंडी है ठीक है, इसका बुरा मत मानना। भैंस उड़, उन्होंने रखा ही नहीं। पापा उड़, नहीं उड़ना। मम्मी उड़, नहीं उड़ना। कबूतर उड़, इसकी भी कच्ची अंडी है भाई। एक तो किशु की कच्ची अंडी है और इसके क्या नाम है, यशी की भी कच्ची अंडी है गाइस। प्रीति सूर्या राठौर, देखो बच्चों को भी पता है मेरे चैनल का नाम। तो आपका है ना वो वाला वीडियो देखा, कन्या जिमाने वाला देखा ही हमने, हमने तो बहुत मैंने देखा था, आपने देखा? हाँ। झूठे, क्योंकि कन्या जिमाने वाला मैंने आज तक ही नहीं डाला। नहीं आपने उस टाइम पे बनाया था तब आपने, हाँ। दिखाई थी ना वैसे देखा था। मैंने जो है ना वो मकान लिया था ना, जो मेरा वाला लिया था उधर वाला घर जो अभी जस्ट मैं रह रही हूँ ना, वो वाला मकान लिया था ना, तब मैंने कन्या जिमाई थी उस टाइम, मैंने ना एक ब्लॉग शूट किया था, वो अभी तक नहीं डाला मैंने। ये बोल रहे कि मैंने इतना ढूंढा मिला ही नहीं वो, क्या फिर मैं भूल ही गई। इनसे पूछते अपन है ना कि ये मेरा ब्लॉग क्यों देखते हैं, तो परी बताओ आप मेरा ब्लॉग क्यों देखते हो? मजे आते हैं ऋषभ के लिए, ऋषभ किशु। अच्छा ऋषभ और किशु और मेरे लिए भी, मतलब तीनों चारों के लिए देखते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे देखता रहा करो। और अपनी मम्मी से है ना, जब मम्मी है ना किचन में चली जाए ना, आप सब बच्चों को भी, जो बच्चे बच्चे है ना व्लॉग देख रहे हैं ना, सबको मैं बता रही हूँ कि आपकी मम्मी जब है ना किचन में काम करने चली जाए ना, तो छुपके से फ़ोन लिया करो और उस पर है ना प्रीति सूर्या राठौर सर्च किया करो और मेरे व्लॉग देखा करो, ठीक है बच्चों? और है ना आपकी मम्मी ने अगर है ना मेरा व्लॉग को है ना, मेरे वीडियो को या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो आप प्लीज है ना उसको सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मम्मी है ना बदमाश है ना, वो है ना सब्सक्राइब नहीं करती मेरे को। और उसी के जस्ट पास में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दिया करो, ओके बच्चों? क्योंकि बच्चे मेरे को पता है ऋषभ के और किशु के लिए व्लॉग देखते हैं। हाँ मैं मारूंगी बच्चों को। तो है ना इतने अच्छे सासू मिल सकते हैं क्या? ये पता है क्या बोल रहे हैं कि मुझे बहू ऐसी चाहिए, मतलब मेरे जैसे, कोई पर्दा नहीं चाहिए मुझे, कोई घूंघट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, जैसे पहनना है जैसे खाना है जैसे जाना है जैसे घूमना है वैसे घूम सकते हैं। तो इतनी अच्छी सासू मिल सकती है क्या? ये तो सेम टू सेम मेरी सासू की कॉपी है। तो आप भी है ना, अगर भाई साहब सुन रहे हो तो आप इनके कितने, दो बच्चे हैं? दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, तो बेटे को ले सकते हो आप। नहीं तो एक ही बेटा, तुम दे अगर कोई है, एक ही बेटा है कोई तुम दे। तो थकड़ो क्या ले लियो मैं, कुछ दिन बाद में दिया जाता है ऐसे, तो आप बहुत प्यारे। मैं बहुत प्यारी हूँ, ये बहुत अच्छे है। थैंक यू सो मच। चिराना लेके देख रहा हूं। नहीं मैंने इनका क्या है कि वहाँ जब गए थे ना, ये हवन था आपका, जोड़ी गई थी आप कहाँ गए? हाँ जोड़ी गई थी ना, वो भी मैंने देखा था, जब रास्ते में जा रहे थे। सारे व्लॉग देखते हैं, सारे
सुबह उठते ही मैं सोचती कब सिखाया, कब सिखा, थोड़ा टाइम लगता है ना, 10 बजे के बाद में आता है। नहीं हो गए, मैंने बोला वो वीडियो तो देखती हूँ पर वो है कौन से फ्लैट में ये पता नहीं चल रहा मुझे, क्योंकि आते भी दिखाते थे वो क्या नाम है फ्लैट के आगे जो गेट की है ना वहाँ पेंट कर रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था पर मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा नहीं है। चलो तो आप आया करो ना, जब भी है ना इधर की साइड आओ ना, पर आज मुझे मिल गया। कई महीने हो गए मुझे मालूम, मैं सोचती देखूंगी तब, मैं आज इसी तरफ से आई हूँ। अच्छा, ढूंढते ढूंढते मैं कभी ना कभी देख ले मम्मी। मम्मी के लिए हेलो गाइस, देखो हेलो गाइस, मम्मी का तकिया कलाम बन गया हेलो गाइस। ये ऐसे ही करते हैं। हाँ। जब आपका फर्स्ट टाइम आपके नाम पे वो डिलीवरी हो रही थी, मतलब फिर दोबारा लेके गए थे 2.5 लाख रुपया आमले वगैरह सब ले के आया था, उन्होंने किया था तो सब देख लूँगी। देखो कितना अच्छा किया, ऐसे होना चाहिए। मुझे भाई बोझे आओ ना चाय वगैरह पीते हैं, नहीं नहीं लून ड्राई तो क्या, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। हाँ पी चाय, बाय गुड़िया, बाय कर दो, बाय करो, बाय, लव यू। अमरूद चोर ले दूसरे का गार्डन। मम्मी ने देखो आज टिक्का विक्का सब लगाया। मम्मी तो एकदम प्रॉपर तरीका हूँ, रेडी हो गए तो ईशा जोरदार लागो। आ देखो सेट वेट करके कुंदन को और हथपूर नरवेरा दिखा रहा मम्मी। गाइस ऐसे दिल तो बच्चा ही है, दिल तो अंदर से तो बच्चा है, वैसे शरीर ढांचा बूढ़ा हो गया, अंदर वाला बूढ़ा नहीं हुआ, बच्चा ही है, जवान है। तो अब मेरे रूम की हालत देखो क्या कर दी मैंने। ये तो सब में सब यहाँ पे मेरी फ्रेंड मिल गई थी मुझे, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी उसको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने खाए थे सैंडविच और फिर उसके बाद में चलेंगे घर पे फटाफट से। आज करी बता बुझावी, देखा ही था वीडियो में मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर मतलब मेरा घर ढूंढते ढूंढते आ गए थे। उन्होंने बोला था मैं काफ़ी बार इधर से निकलती हूँ, हमेशा सोचती हूँ कि आपका घर कौन सा है, आपका घर कौन सा है। आज फाइनली हम दोनों मिल गए और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की मेरे लिए, थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपको काकी साहब बोलना चाहूंगी, तो काकी साहब थैंक यू सो मच, आपने ना मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें की मेरे लिए। और अब है ना मुझे ऐसे ऐसे अच्छा फील होता है, ऐसे अच्छा लगता है, मतलब मैं रोज ऐसे थक जाती हूँ कि भाई अब मैं कल से व्लॉग वो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, एक ही कर पाऊंगी। तो ऐसे आप है ना मेरा सपोर्ट करते हो और मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना, तो ऐसे लगता है मुझे कि नई प्रीति अपन को करना है, मतलब अपन को घर घर में अपने वीडियोस पहुंचाने हैं। आपको कितना प्यार मिल रहा है ये सारी चीजें सोच के मैं फिर से मोटिवेट हो जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच काकी साहब हुकुम, और अगर आप यहाँ से फिर और भी निकलो तो आप प्लीज मेरे पास जरूर आके जाना। और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूंगी। आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें प्लीज यार, लाइक बहुत ज्यादा कम आते हैं। आप पूरा वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते, तो लाइक करने में क्या जाता है, आप प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और कमेंट के थ्रू मुझे बताया करो अपना प्यार। ठीक है, बाय, गुड नाइट। अब मैं किचन में लग जाती हूँ, नहीं तो ऋषभ के पापा पीछे से आके मारेंगे मुझे। तो ड्रेस भी चेंज करनी है यार, पता है इसमें ना मैं थोड़ी कंफर्ट नहीं हूँ, ऐसे फंस रही है थोड़ी, तो ड्रेस चेंज करती हूँ और किचन का काम करती हूँ। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही मिलूंगी नेक्स्ट डे के साथ। ठीक है, बाय, गुड नाइट।